गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडर का जिस लेसन थर्ड लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। जब वो जेल में होते थे आज़ादी के दौरान, तो बच्चों को खत लिखा करते थे और वही खत यहाँ पे एक बच्चों को संबोधित करते हुए यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं पंडित नेहरू उस लेटर में क्या लिखते हैं बच्चों के लिए। पंडित नेहरू कहते हैं, माय डियर चिल्ड्रन, मेरे प्रिय बच्चों, आई लाइक बीइंग विद चिल्ड्रन, मैं बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ एंड टॉकिंग टू देम, और उनसे बात करना पसंद करता हूँ, एंड इवन मोर, और इससे भी ज़्यादा प्लेइंग विद देम, उनके साथ मैं खेलना चाहता हूँ। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूँ, दैट आई एम टेरेबली ओल्ड, टेरेबली मैंने अत्यधिक, कि मैं अत्यधिक बूढ़ा हो गया हूँ, एंड दैट इट इज़ ए वेरी लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय पहले, या एगो मैंने पहले, सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, मैं एक बच्चा था। कुछ क्षण के लिए जब मैं बच्चों के साथ होता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं अत्यधिक बूढ़ा हो गया हूँ, और मैं बहुत समय पहले एक बच्चा था। आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव ए स्ट्रिंग ऑफ गुड एडवाइस, मैं तुम्हें अच्छी सलाहों की कोई श्रृंखला नहीं देना चाहता हूँ। एस टू वॉट यू शुड डू एंड वॉट यू शुड नॉट डू, कि तुम्हें यह करना चाहिए और तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। आई सपोज़ यू हैव इनफ ऑफ दिस फ्राम योर टीचर, मैं समझता हूँ या मानता हूँ, यू हैव इनफ मैंने तुमने पर्याप्त तरीके से या पर्याप्त मात्रा में ऑफ दिस मैंने ये बातें फ्राम योर टीचर अपने टीचर से सीख ली होंगी। इफ़ यू विथ मी, यदि तुम मेरे साथ हो या यदि आप लोग मेरे साथ हो, आई वुड लव टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहूँगा अबाउट दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इस सुंदर संसार के बारे में, आप हवर्स जो हमारा है, अबाउट फ्लावर, में फूलों के बारे में बात करना चाहूँगा, एंड ट्रीज मैंने पेड़ों के बारे में, एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड स्टार्स एंड माउंटेंस एंड ग्लेशियर्स एंड ऑल द वंडरफुल थिंग्स दैट सराउंडेड अस इन द वर्ल्ड। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुमसे सुंदर संसार के बारे में, फूलों के बारे में, पेड़ों के बारे में, चिड़िया के बारे में, जानवरों के बारे में, तारों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, ग्लेशियर, बर्फ का बहता हुआ पहाड़ों पर समूह को ग्लेशियर बोलते हैं, एंड ऑल अदर वंडरफुल थिंग्स, और दूसरी अद्भुत चीज़ों के बारे में, दैट सराउंड अस इन दिस वर्ल्ड, जो इस संसार के चारों घिरी में बात करना चाहूँगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल बी मोर सेंसिबल, आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिबल होंगे, बुद्धिमान होंगे, एंड ओपन योर आइज एंड ईयर्स, और अपनी आँख और कान को खुला रखते होंगे टू दिस ब्यूटी, इस सुंदरता को देखने के लिए, लाइफ ने जीवन को दैट सराउंड यू, जो तुम्हारे चारों ओर घिरा हुआ है। कैन यू रिकोगनाइज द फ्लावर्स बाई दियर नेम, क्या आप फूलों को उनके नाम से पहचान सकते हो, एंड बर्ड्स बाई दियर सिंगिंग, और चिड़ियों को उनके गाने से। हाउ इजी इट इज़, ये कितना आसान है टू मेक फ्रेंड्स विद देम, उनको मित्र बनाना, एंड विथ एवरी थिंग इन नेचर, और प्रकृति में जो कुछ भी है उसको मित्र बनाना। इफ़ यू गो टू देम अफेक्शनली, या तुम उनके पास स्नेहपूर्वक जाओ, एंड विथ फ्रेंडशिप मैंने मित्रवत तरीके से, या तुम मित्रवत तरीके से और स्नेहपूर्वक उनके पास जाओ। यू मस्ट हैव रीड मेनी फेरी टेल्स एंड स्टोरीज इन द पास्ट, आपने पहले बहुत सी परियों की कहानियाँ सुनी होंगी। बट द वर्ल्ड इट्सेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट फेरी टेल, लेकिन संसार अपने एक महानतम परियों की कहानी एंड स्टोरी मैंने कहानी है आप एडवेंचर मैंने साहस की दैट हैज़ एवर बीन रिटन, जो अब तक लिखी गई हैं। ओनली वी मस्ट हैव आइज टू सी एंड ईयर्स टू हियर, केवल हमारे पास आँखें होनी चाहिए देखने के लिए और कान होने चाहिए सुनने के लिए, एंड माइंड, और दिमाग होना चाहिए, दैट ओपन्स आउट ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के जीवन और सुंदरता के लिए खुला रहता हो। आगे नेहरू कहते हैं, आई हैव रिसेंटली बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टू कनाडा एंड इंग्लैंड, मैं अभी शीघ्र ही संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड गया था। आई फाउंड द चिल्ड्रन आर देयर वेरी लाइक द चिल्ड्रन हेयर, मैंने वहाँ पर यहाँ के जैसे बच्चे पाए, एंड सो आई इजली मेड फ्रेंड्स विद देम, और इसलिए मैंने उनको आसानी से अपना मित्र बना लिया, एंड वेन एवर आई हैड द चांस, और जब भी मुझे अवसर मिला, आई प्लेड विद देम अ लिटिल, मैं उनके साथ थोड़ा बहुत खेला भी। दैट वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग दैन मैनी ऑफ माई टॉक्स विद द ग्रोन अप्स, ये मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग था बजाय कि मेरी बातचीत बड़े लोगों से।
हु इमेजिन दे वर डिफरेंट, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि वो एक दूसरे से अलग हैं। एंड डिलीबरेटली मेक देमसेल्व सो, और जानबूझ कर, डिलीबरेटली मैंने जानबूझ कर, मेक देमसेल्व सो मैंने वो अपने आप को ऐसा बना लेते हैं। तो पंडित नेहरू बड़े लोगों की बजाय वो बच्चों से ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं। सम मंथ एगो, कुछ महीने पहले, द चिल्ड्रेन ऑफ जापान रोड टू मी, जापान के बच्चों ने मुझे लिखा एंड आस्क्ड मी टू सेंड देम एन एलिफेंट, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके लिए खाती भेज दूँ। आई सेंट देम अ ब्यूटीफुल एलिफेंट ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया, मैंने एक सुंदर हाथी भारत के बच्चों की ओर से उनके पास भेज दिया, ऑन द बिहाफ ऑफ की ओर से। दिस एलिफेंट केम फ्रॉम मैसूर, यह हस्ती मैसूर से आया था। एंड ट्रेवल्ड ऑल द वे बाई सी टू जापान, और यह समुद्र के रास्ते जापान गया। वेन इट रीच टोक्यो, जब यह जापान की राजधानी टोक्यो पहुँचा, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रेन केम टू सी इट, हज़ारों बच्चे से देखने आए। मैनी ऑफ देम हैड नेवर सीन एन एलिफेंट, उनमें से बहुत से बच्चों ने पहले कभी हाथी नहीं देखा था। सो वी मस्ट ऑल्सो थिंक ऑफ दियर कंट्री, इसलिए हमें उन देशों के बारे में सोचना चाहिए। एंड ऑफ द मैनी अदर कंट्रीज़, और दूसरे देशों के बारे में, इन द वर्ल्ड मैंने संसार के। एंड रिमेंबर, याद रखना चाहिए, दैट एवरी वेयर देयर आर चिल्ड्रेन लाइक यू गोइंग टू स्कूल, कि हर जगह पर तुम्हारे जैसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं एंड प्ले, खेलते हैं। समटाइम्स क्वारलिंग, कभी कभी वो झगड़ते हैं, बट ऑलवेज मेकिंग फ्रेंड्स अगेन, लेकिन वो पुनः अपने आप को मित्र बना लेते हैं। यू कैन रीड अबाउट दीज कंट्रीज इन योर बुक्स, आप इन देशों के बारे में अपनी किताबों में पढ़ सकते हो। एंड वेन यू ग्रो अप, और जब तुम बड़े हो जाओ, मैनी ऑफ यू विल विजिट देम, तुम में से बहुत लोग उसका भ्रमण करेंगे। सो देयर एज ए फ्रेंड्स, इसलिए मित्र के रूप में, एंड यू विल फाइंड फ्रेंड टू ग्रीट यू, तुम गो देयर एज ए फ्रेंड्स, उनके पास मित्र के रूप में जाओ, एंड यू विल फाइंड फ्रेंड टू ग्रीट यू, और तुम्हें वो मित्र की तरह स्वागत करते हुए मिलेंगे। ग्रीट मैंने वेलकम। एज आई राइट, जब मैं ये लिख रहा हूँ, आई थिंक ऑफ द वास्ट आर्मी ऑफ चिल्ड्रेन, मैं भारत के बच्चों की विशाल सेना के बारे में सोचता हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने पूरे संसार के। आउटवर्डली डिफरेंट इन मैनी वेज, बाहर से देखने में कई तरीकों में अलग अलग हैं। स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं। वेयरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ, अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। एंड येट सो वेरी लाइक वन अनदर, फिर भी वे दूसरे जैसे हैं। इफ़ यू ब्रिंग देम टुगेदर, या तुम उनको एक जगह पर कर दो, दे प्ले आर क्वारल, या तो खेलेंगे या झगड़ेंगे। बट इवन देयर क्वारलिंग इज सम काइंड ऑफ प्ले, लेकिन उनका झगड़ना भी एक प्रकार का खेलना है। दे डू नॉट थिंक ऑफ डिफरेंसेज अमंग देमसेल्व्स, वे अपने बीच कोई मतभेद या अंतर को नहीं देखते हैं। तो नेहरू का मैसेज ये है कि जोसेफ उस समय तत्कालिक दुनिया में, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, वर्ल्ड वार के सिचुएशन के बाद दुनिया के लोग एक दूसरे से घृणा करते थे, नेहरू चाहते हैं कि बच्चे एक दूसरे से घृणा ना करें। इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।